आ रहा था और उसकी प्रैक्टिस भी हो रही थी। साथ ही केंजी ने अपने बाकी काम के लिए भी टाइम बचाना सीख लिया है। फिर एक दिन केंजी उस रिपोर्टर से मिलने जाता है क्योंकि उसने उसे वादा किया था कि वो उसके हर सवालों के जवाब देगा। जाने से पहले केंजी मीना से कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो उसे जरूर बताए। केंजी के जाने के बाद कुछ ही देर बाद बेबी काजू को उसकी याद आने लगती है और वो रोने लगता है। मीना उस काजू को केंजी की वीडियोस दिखाकर शांत करने की कोशिश करती है पर उससे भी कुछ होता नहीं। तभी बेबी काजू एक नई पावर का यूज करता है जिससे वो अपने ग्लास का केज तोड़कर बाहर निकल आता है और वहां से जाने लगता है। वहीं केंजी उस रिपोर्टर के साथ बैठा था तभी मीना उसे बताती है कि बेबी काजू सिटी में पहुंच चुका है और अनजाने में सिटी में काफी नुकसान भी कर रहा है। ये सुनते ही केंजी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत ही अल्ट्रामैन में बदलकर बेबी काजू के पास पहुंच जाता है। काजू उसे देखकर काफी खुश होता है और गलती से अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। वहीं डॉक्टर ओंडा को भी बेबी काजू के बारे में पता चल गया था और वो